है। हम स्टार्ट करेंगे प्रेप से जो मैं यूज़ किया है वी का रोज टोनर। और मैंने कॉटन में लेके पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने यूज़ किया एसपीएफ। अगर आप वाले डे के दिन बाहर जा रहे हैं डे पे या नाइट पर रिकमेंड किए आप एस पी एफ लगाएँ एस पी एफ इज़ गड अगर आप लगाते हैं अपने स्किन पर तो वो बहुत सही है उसके बाद मैंने लगाया है प्राइमर मैंने मैं दब एस पी यूज़ किया था वॉल्थे का और वो जेल क्रीम था बिकॉज मेरा ऑयली स्किन है तो प्राइमर भी जो है मैंने वालीओ का यूज़ किया था मैंने पूरे फेस पे लगाती हूँ नोज़ पे फोकस करते हुए मुझे स्मूथ फिनिश ज़्यादा सही लगता है फिर ये जो है आज का जो मेकअप है वो बहुत ही अफोर्डेबल है ऑलमोस्ट अंडर टू हंड्रेड है आई गेस सो इसको जो ये फाउंडेशन जो मैंने अप्लाई किया ये है कफ्स एंड लैशेस का पॉट करेक्ट पॉट शेड नाइन है ये ये एग्जैक्टली exactly मेरा शेड है बट लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा लाइट लग रहा है बट ये जो है एग्जैक्ट मेरा शेड अगर आप रियल में देखेंगे तो एग्जैक्ट मेरा शेड है कैमरा और लाइटिंग की वजह से गाइस शेड थोड़े लाइट लगते हैं बट ये ये वाला शेड एक्चुअली अक, में लाइट नहीं है बाकी के कुछ जैसे ओलिविया में शेड्स अवेलेबल नहीं होते तो वैसे लाइट होते भी हैं बट ये नहीं है ये ऑलमोस्ट मेरा शेड है ही फिर इसको मैंने एज अ कंसीलर भी सेम आई यूज़ किया है कलर मतलब उसको एज अ आई प्राइमर भी यूज़ किया है हाइलाइटिंग कंसीलर भी इसी को मैंने यूज़ किया है और कप्स एंड लैशेस के ब्रश से ही मैंने इसको ब्लेंड कर लिया ये वाला जो ब्रश है मेरा फेवरेट है फॉर कंसीलर ब्लेंडिंग के लिए और फिर मैंने आई सेट किया है जॉनसन बेबी पाउडर से और इसको अच्छे से नूज़ किया अराउंड और तो जहाँ पर भी मतलब मेरा कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं आप वहाँ पर आप ये लूज़ पाउडर की तरह यूज़ कर सकते हैं फिर इसके बाद जो है मैंने क्रीम ब्लश यूज़ किया है ये किस ब्यूटी का ये भी कप्स एंड लैशेज़ का ये कुछ वन फिफ्टी रुपीज़ का था अगर मुझे लिंक्स मिला गाइस तो मैं दे दूंगी या तो फिर आप कफ्स एंड लैशेज़ पर चेक कर सकते हैं ये कलर पॉट जो है वाइट कलर का है अगर आप थोड़ा लाइट बेस रखते हैं स्पेसिफिकली वाइट तो आपके कलर्स अच्छे से पॉप होके आएंगे लिप बाम मैंने बेबी लिप्स का लगाया है और मैंने आईब्रोज़ के लिए ग्लैम ट्वेंटी वन का आईब्रो किट यूज़ किया है जो कि वन सेवेंटी फाइव का है बोले और ये भी कप लैशेस से ही है ये शेडो पैलेट है स्विस एस का ये मुझे गिफ्ट में मिला था बट ये भी आपको टू हंड्रेड के अंडर ही मिलेगा जो मेकअप ब्रशेज मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी आपको टू हंड्रेड के ऑलमोस्ट अंडर ही मिलेंगे तो अब मैं इंडिविजुअल के हिसाब से काउंट कर रही करी पर ये वाला जो मैंने सेट यूज़ कर रही हूँ आई शेडो के लिए ये भी आपको टू हंड्रेड के अराउंड ही मिलेगा तो मैंने जो फर्स्ट कलर लिया है उसको अच्छे से क्रीज़ के थोड़ा ऊपर लगा के ब्लेंड कर लिया फिर थोड़ा सा डार्क कलर लेके मैंने क्रीज पे जो है अच्छे से वाइपिंग मोशन में ब्लेंड किया है आपको अच्छे से ब्लेंड करना और एक्सेस पहले आपको निकाल लेना है और थोड़ा सा उसको वी बनाते हुए मैंने उसको ब्लेंड किया है थोड़ी फ्लफी ब्रश से और फिर थर्ड स्टेप में मैंने है क्लीन ब्रश लिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है उसके ऊपर घुमा के ताकि जो दो कलर मैंने अप्लाई किए हैं वो अच्छे से एक दूसरे में ब्लेंड हो जाए फिर मैंने ये डार्क कलर्स लिए हैं और मैंने उसको आउटर वी पे अप्लाई किया है और थोड़ा सा मैं क्रीज़ पे भी लेके गई हूँ ताकि थोड़ा सा क्रीज में डेप्थ आए ये चीज़ जो है मैं रिपीट करूँगी मैंने पेंसिल ब्रश का यूज़ किया इसको करने के लिए क्योंकि वो थोड़ा सा फोकस्ड होता है और मैं उसको जो है छोटे एरिया में भी लाइक पैक कर सकती हूँ तो जो भी डार्क कलर है आप कोई भी डार्क ब्राउन या डार्किश कलर ब्लैक अगर आप अवॉइड करें तो बेटर अगर आप बिगनर्स हैं नहीं तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं तो इसको मैंने अप्लाई किया है सेम मोशन में वी पे फिर उसके बाद फोकस करते हुए क्रीज पे लेके गई हूँ और फिर मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ तो वैसा ही मैं करती रहूँगी जब तक कि मुझे मनचाहा पिगमेंटेशन या जब तक कि मुझे जैसा प्रॉपर चाहिए वैसा पिगमेंटेशन नहीं मिल जाता तो अब वैसे आप सेलोटिप का भी यूज़ कर सकते हैं करने के टाइम पे मैंने इसको बाद में कंसीलर से लाइक साफ़ कर मतलब एंड का एकदम क्रिस्प कर दिया है वैसा भी कर सकते हैं इट्स वेरी इजी तो इसके बाद जो है ये सेम मैंने फॉलो किया है और थोड़ा सा मैं वी एक्सटेंड कर रही हूँ आपको अगर वी प्रॉपर नहीं चाहिए तो आप वी बनाने के बजाय ऐसे नॉर्मल भी ब्लेंड कर सकते हैं तो मैंने अभी क्रीज का जो फर्स्ट कलर लिया था वो लेके हल्का सा मैंने अपने क्रीज पे उसको फिर से मर्ज कर लिया है फिर मैंने जो है कट क्रीज बनाने के लिए लाइ लाइनर का जो ब्रश रहता है एकदम पतला वो यूज़ करके मैंने कट क्रीज बनाया है तो ये जो है एक, आ, हैक भी बोल सकते हैं आप कि इससे अगर आप कट क्रीज बनाएंगे तो प्रॉपर कट क्रीज बनता है फिर मैंने फिंगर की हेल्प से जो है वो मिडल वो मैंने आपको शेड बताना भूल गया लेकिन वही सेम पैरेट का मिडल का एग्जैक्ट मिडल का जो शेड था वो मैंने अप्लाई किया लाइट शेड जो है अप्लाई किया फिर मैंने जो लाइनर ब्रश की हेल्प से ही एजेस को शार्प कर लिए फिर मैंने लाइनर लगाया है एंड वाई बे का इसका जो ब्रश बहुत अच्छा है लाइनर मुझे इतने इसका पसंद नहीं है बट अब थोड़ा बहुत पसंद आने लगा है बट उसका ब्रश मुझे अच्छा लगा टू तो बी ऑनेस्ट फिर मैंने काजल के लिए कोल लगाया है अपना वेट एंड वाइल्ड का न्यूल मैंने लोअर लैश इनके सेम जो क्रीज पे लगाया था वो यूज़ किया है मस्कारा मैंने लगाया है लैशेज़ नहीं लगाया मस्कारा मैंने लगाया है एस एफ आर कलर्स का जो कि हंड्रेड रुपीज़ का है ऑलमोस्ट सारे अफोर्डेबल गाइज़ मैंने यूज़ किए हैं और मैंने काउंटर वगैरह नहीं किया है कि मुझे लगा कि थोड़ा ब्लशी लुक होना चाहिए था इस वजह से हाइलाइटर के लिए मैंने शिमर पॉट लगाया फिफ्टी रुपीज़ का मैंने लिया था ब्रोबोन पे इनर कॉर्नर पे और यूजुअल प्लेसेस पे जैसे कि नोज़ ब्रिच ऑफ द नोज क्यूपिड्स बो और जो भी इधर हम लगाते हैं तो मैंने पहले सेटिंग्स से सेट से कर लिया फिर मैंने उसको लगाया है ताकि जो है लुक थोड़ा अच्छा आए और थोड़ा ज़्यादा पिगमेंटेड लगे फिर लिपस्टिक के मैंने यूज़ किया है स्टेक वर्की की मिनीज़ मैंने लिया था उसका रिव्यू भी मैंने दिया है उसमें से दो एक डार्कर शेड एक लाइटर शेड लेके उसको आमरे शेड दिया है सो so गाइज़ ये है मेरा फाइनल लुक अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय